हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ मिस्टर अकाउंट्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो कि बहुत टाइम पहले मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर क्या रहता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो दो कंडीशन बनता है, मतलब कि ओवरऑल जो कैपिटल होती है वो दो प्रकार की होती है। मैंने आपको पहले बताया था, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन अलग होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन अलग होती है। फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन क्या, फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन वो कंडीशन जिसमें पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहेगी, मतलब जो उसका कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ उसकी, अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो आएगा और विथड्रॉ करेगा तो आएगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये चीज आएंगी। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमने क्या पढ़े थे कि उसकी कैपिटल फ्लक्चुएट रहती है, उसमें बिल्कुल चेंज होते रहती है, बिल्कुल नॉर्मल जैसी चलती है वैसी रहेगी। उसमें सब आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और सैलरी आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, ड्रॉइंग चार्ज होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ नॉर्मल सी बात। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, ये दोनों कंडीशन में कैपिटल अकाउंट को प्रैक्टिकली कैसे बनाएं, वो हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मैंने आपको बता दिया क्या और उसमें कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो ये वो डेबिट साइड और ये हुई क्रेडिट साइड। ठीक, अब ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ ये क्या था, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या का, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। अभी हम ये फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन, ये केस वन, ये जो केस वन लिखा है इसका, इसमें कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बता रहा हूँ। ठीक है, इस कंडीशन में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें सबसे पहले तो ये जो ओपनिंग कैपिटल वो आएगी। ठीक है, और अगर पार्टनर ने और कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल बीच के जो पीरियड्स रहते हैं उसमें इंट्रोड्यूस किया है तो वो आएगी, और विथड्रॉल किया है तो वो आएगी, और ओवरऑल जो देखा जाए तो फिर बाद में जो सब होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो कैरी डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आई नॉर्मल सी कंडीशन। फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में क्या क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उसमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा सी चीज़ें, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में एक और अकाउंट बनता है जो कि होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बाकी सारी चीज़ें जो कैपिटल से रिलेटेड हैं वो इस कंडीशन में क्या होती है, करेंट अकाउंट में लिखी जाती हैं, फिर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो करेंट अकाउंट से किए जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात थी कि ओपनिंग बैलेंस आया, फिर अगर कोई कैश इंट्रोड्यूस हुई तो वो, इंट्रोड्यूस हुई तो वो, और ये विड्रॉल हुई कैश तो। ठीक है, और ये बचा फिर क्लोजिंग बैलेंस, तो ये टोटल और ये खत्म। ठीक है, तो ये कहीं कंडीशन थी, ये थी कंडीशन फिक्स्ड कैपिटल की। अब हम कंडीशन पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में क्या, ये आया केस टू। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल, वो कंडीशन जिसमें जो पार्टनर रहता है उसके, उससे जो रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन, अगर उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है और सैलरी दी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे चार्ज किया जा रहा है, ड्रॉइंग ली जा रही है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन थी उसमें कुछ नहीं आएगा, बस इंट्रोड्यूस और विड्रॉ। ठीक है, और लेकिन इसमें अभी हम बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को मिटा दें क्योंकि अभी तो और आगे चले गए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, पार्टनर को अगर जो चीज़ मिल रही है वो आई क्रेडिट साइड, अगर मतलब जो पार्टनर की कैपिटल में जो सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं वो किस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड। पार्टनर की कैपिटल से अगर कोई चीज़ पैसा जा रहा है, कैपिटल जा रही है, किस साइड आएगी, डेबिट साइड। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगी, ये तो सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि पार्टनर को क्या क्या मिलता है, सैलरी आएगी, कमीशन आएगा। ठीक है,
और बहुत सारी चीज़ें रिजर्व में भी मिलता है तो वो भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पे क्या ड्राइंग पार्टनर की कैपिटल से जो जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस ड्राइंग पे जो पार्टनर इंटरेस्ट देता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ हुई डेबिट, ये चीज़ हुई क्रेडिट, बता दिया मैंने क्यों हुई, ये सारी चीज़ें कैपिटल में ऐड हुई इसलिए क्रेडिट हुई, ये सारी कैपिटल से बाहर आई इसलिए मतलब कैपिटल से निकली। ऑब्वियस बात है, यहाँ मैंने 100 रुपये रखा हूँ एक जगह, उसमें अगर डालूंगा मतलब यहाँ क्रेडिट हो रहा है, उससे निकालूंगा तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, बात खत्म, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ गई किस कंडीशन में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कंडीशन में, क्या क्या आ गया, सब कुछ आ गया, ओवरऑल आ गया। लेकिन नॉर्मल सी बात है, देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर हम इसी सारी चीज़ों को दो भाग में डिवाइड कर दें तो वो कंडीशन आ जाती है फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन। इसको कैसे डिवाइड कर दिया गया है कि जो सारी जो चीज़ें हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग, ये सारी चीज़ों को हम फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में करंट अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ शॉर्ट में कि कैपिटल अकाउंट दो केसेस में बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में पार्टनर से रिलेटेड दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, जो कि पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जो कि होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओवरऑल सारी चीज़ें जाती है, और वहीं पे फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में, ये तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में बताया कि सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में मैंने बताया कि सारी चीज़ें आ जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में इन्हीं को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो रिन्यूमरेशन रहता है और चार्जेस रहते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ में आती हैं, करंट अकाउंट में आती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और जो कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस की जाती है और विड्रॉल की जाती है, तो वो सबसे लेट जो फंक्शन है कैपिटल का, वो आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 5th वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।